गर्मी का मौसम है और ऐसे में सबको ठंडा ठंडा कुछ चाहिए होता है। गर्मी के मौसम में दही कितना फायदेमंद है सभी जानते हैं। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं घर पे बहुत आसानी से बनने वाले बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के 3 फ्लेवर्स की लस्सी। हेलो फ्रेंड्स, रुचि झात की रसोई में आप सबका स्वागत है और आइए शुरू करते हैं बनाना आज की आसान सी टेस्टी रेसिपी। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैंगो फ्लेवर लस्सी। तो इसके लिए मैंने ये एक पका हुआ आम लिया है और आम आपको मीठा लेना है, इससे लस्सी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग आम को छीलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक स्लाइस मैंगो निकाल लिया है, इसका उपयोग हम बाद में करेंगे और ये बाकी बचे आम को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ध्यान रखें इस रेसिपी को बनाने में मीठे आम का इस्तेमाल करें। आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और इसे मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर आम को पीसकर मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। अब हम लोग इसमें डालेंगे दही। दही मैंने ये घर पे जमाया है, बिल्कुल गाढ़ा मलाईदार दही है ये। आप चाहे तो मार्केट का दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा एकदम ऐड करेंगे दूध, ज़्यादा दूध नहीं डालना है हमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सभी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, आइए इसे सर्व करें। और ये जो हमने मैंगो के स्लाइस रखे थे उसमें से ये छोटे छोटे टुकड़े मैंगो के इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। और तैयार है हमारी घर की बनी हुई बहुत ही टेस्टी एकदम थिक मैंगो लस्सी। ये था लस्सी का पहला फ्लेवर। अब हम लोग बनाते हैं दूसरे फ्लेवर की लस्सी, रोज लस्सी। इसके लिए हम लोग 2 टेबल स्पून दही लेंगे। दही की थिकनेस आप देख सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रोज सिरप, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ठंडा पानी। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से फिटा गया है, आइए इसे सर्व करें। तैयार है हमारी रोज लस्सी। आप चाहे तो ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों से इसे गार्निश कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया है। आइए बनाते हैं तीसरे फ्लेवर की लस्सी। इसके लिए हम लोग फिर से एक मिक्सर का जार लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर दही, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, थोड़ा सा दूध, केसर। ये हम लोग बनाने जा रहे हैं केसर बादाम लस्सी। तो इसके लिए इसमें डाला है थोड़ा सा केसर, थोड़े से बादाम। इन सबको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आइए इसे भी सर्व करते हैं। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे बादाम से और केसर से गार्निश करेंगे। तैयार है हमारी केसर बादाम वाली स्वादिष्ट लस्सी। और इस तरीके से हमने घर पर मिनटों में ही तैयार कर ली 3 मजेदार फ्लेवर्स की लस्सी। ये है मैंगो लस्सी, ये रोज लस्सी और ये केसर बादाम लस्सी। तीनों का ही फ्लेवर अपने आप में अनूठा और गजब का है। आपको जो पसंद आए वो बनाइए और इस चिलचिलाती गर्मी से राहत पाइए। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी मज़ेदार रिफ्रेशिंग रेसिपी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।